साथियों, हमारी सरकार सारे स्टेक होल्डर्स के साथ निरंतर संपर्क में है, लगातार फीडबैक लेते हुए हर स्तर पर बड़े फैसले ले रही है। स्टेटस को से देश को मुक्ति दिलाते हुए हम राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोलैबोरेशन से क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा, जब संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव आया था तो भारत को करीब करीब पूरी दुनिया का समर्थन मिला था और शायद यूएन के इतिहास में किसी एक रिजोल्यूशन को दुनिया के इतने देशों का समर्थन मिला हो यह पहली बार हुआ। और योग का प्रभाव यह है कि शायद पहली बार आपकी समिट में किसी ने मेडिटेशन करवाया होगा। मेडिटेशन कर पाए नहीं रखे, लेकिन आंखें तो बंद की थी सबने, ऐसा मैंने सुना है। फ्रेंड्स, आज भारत पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे अधिक भागीदारी करने वाले देशों में से एक बन गया है। दूसरे देशों के नागरिकों की रक्षा के लिए भी सबसे पहले आज हिंदुस्तान आगे आ रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य को दिशा देने वाले ऐसे संस्थान भारत की पहल पर शुरू हुए हैं और आज पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ने लगी है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टेटस को का समर्थन करने वाली, बदलावों का विरोध करने वाली जैसी ताकतें हमारे देश में हैं, वैसी शक्तियां अब ग्लोबल लेवल पर भी, उनका भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वे भी दुनिया भर में अपना नेटवर्क बना रही है और उनकी मजबूती बढ़ा रही है।